अच्छा इस लोहे की चैन को काटना है, ये ले काट दिया। अबे चल ये ईंट काट के दिखा। बस इतनी सी बात, ये ले काट दिया। दोस्तों अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो कॉपी पेस्ट वीडियो देखा ना, उस टाइप का वीडियो अपलोड करके एक चैनल ने मात्र 200 से भी कम वीडियोस में 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लिया। और अभी के टाइम पर इस कॉन्टेंट पर उसके जो व्यूज आ रहे हैं ना, आपके होश उड़ जाएंगे भाई। जब लेटेस्ट वीडियो पर इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है तो पॉपुलर वीडियो पर कितना व्यूज आया होगा, और सबसे ज्यादा मेन बात वो अर्निंग कितना करता होगा, कि इस टाइप का चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं, सारा कुछ बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको चैनल बताता हूं, लेकिन उससे पहले खास बात क्या है दोस्तों, उसमें ना तो आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, ना तो आपको अपना वॉइस ऐड करना पड़ेगा। रोज का 10-20 मिनट का काम होने वाला है और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी वो कंटेंट। अगर वीडियो को आज छोड़कर चले जाते हो तो भाई आप बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए अब मैं आपको चैनल बताता हूं कौन सा वो चैनल है, कैसा वो कंटेंट है, सारा कुछ। ठीक है, तो यहां पर मैं अपनी फोन स्क्रीन को ओपन कर लेता हूं। दोस्तों इस चैनल का नाम है आयु के सपोर्ट, 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है सिर्फ 194 वीडियोस में। एंड शॉर्ट्स पर जाओ तो यहां पर देख सकते हो लेटेस्ट जो शॉर्ट्स है उन पर 2 लाख, किसी पर 3 लाख, किसी पर 13 लाख, 28 लाख, 85 लाख, 3 करोड़, देख सकते हो करोड़ों तक व्यूज गया। और पॉपुलर की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भाई 20 करोड़, 10 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से करोड़ों में व्यूज गया है। अब देखिए ये ज्यादातर जो वीडियोस है ना वो यहां पर नाइफ वाले वीडियोस अपलोड करता है, देख सकते हो कुछ इस तरह के वीडियोस होते हैं। और ये सेम टू सेम वीडियो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं आप लोगों से झूठ बोल दूंगा। देख सकते हो चाइनीज एप्लीकेशन पर बिल्कुल सेम टू सेम वीडियो देख सकते हो। पहले आप ये चीज देखो, इस वीडियो पर 85 लाख व्यूज है, एंड ये सेम टू सेम वीडियो आप देख सकते हो यहां पर प्ले हो रहा होगा, ये मुझे मिल चुका है। एंड और मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो पर यहां पर कितना व्यूज है, 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है इस वीडियो पर, और ये सेम टू सेम वीडियो मुझे मिल चुका है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। तो इतना प्रूफ काफी आप लोग को बस टेस्ट कराने के लिए कि मुझे ऑलरेडी ये कंटेंट मिल चुका है। अब मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले मेरी बात को समझिए, इस कंटेंट को बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगा। पहली बात तो आपको वीडियो क्लिप चाहिए और एक चाइनीज एप्लीकेशन, वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मेन बात है स्क्रिप्ट। हम कैसे इस तरह की स्क्रिप्ट लिखेंगे इस बंदे की तरह, तो मैं आपको खुद से एक स्क्रिप्ट लिखकर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, डिस्कशन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मिलेगा, लेकिन उसको अभी ज्वाइन कर लीजिए पहले, क्योंकि जब मैं बाद में उस स्क्रिप्ट को डालूंगा, हो सकता है आप बाद में ज्वाइन करो तो आपको स्क्रिप्ट शो ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड उस स्क्रिप्ट में से आपको सिंपल से थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, एंड अपने हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो ये एक नॉर्मल सा स्क्रिप्ट है, अब भाई पूरा इसे कॉपी करके तो आप यूज कर नहीं सकते, इसमें आपको हर बार चेंजेस करने होंगे। जैसे कि कुछ लाइंस है इनको आप यूज कर सकते हो, लेकिन बीच में आपको खुद अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, चाहे टाइप करके या फिर चाहो तो वॉइस टाइपिंग से आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे देख सकते हो एक एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ, देख सकते हो इस एप्लीकेशन का नाम है राइट बाय स्पीच। इसमें होता क्या है, आप जो भी बोलते हो ना वो हिंदी में लिखकर आ जाता है। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किया हूँ, इसलिए मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकती यहाँ पर, और रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यहाँ पर माइक पर क्लिक करके जो भी बोलोगे वो यहाँ पर हिंदी में लिखकर आ जाएगा, और इसे कॉपी करके आप लोग क्या कर सकते हो, नोट पैड में उसी स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हो। और हाँ, चाइनीज एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है तो वो भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। बस आपको करने का है सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लिप्स आपको फाइंड करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी दे दूंगा तो आप लोग वीडियो को छोड़कर भाग जाओगे और मेरे घंटों की मेहनत भाई आप लोग पानी में मिला दोगे। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत करना। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसकी तरह आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड पैड एडिट कर सकते हो, तो वो सब मैं आपको एडिटिंग में बताऊंगा। और एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे भाई साहब कैपकट एप्लीकेशन, तो उसे आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, एंड एक वीपीएन भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ कैसे क्या एडिटिंग करना है। और वीडियो के साथ परेशान मत होइए, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा कुछ आईडी जिनको आप सर्च कर सकते हो चाइनीज एप्लीकेशन पर, और आपके सामने सारे वीडियो क्लिप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली एडिटिंग बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ कैपकट एप्लीकेशन में, बट इससे पहले आप एक वीपीएन जरूर से ओपन कर लेना। ठीक है, अब न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और दोनों वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। मैं दोनों वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें से अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, इसका साउंड को म्यूट कर दूंगा। इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म पर और मिरर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट का चांस खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं पहले क्या हो रहा है। ठीक है, मोटी वाली चेन को काट रहा है, काट दिया। इसके बाद इस पानी को काट दिया। ठीक है, अब ये पार्ट मुझे नहीं रखना है, और इसके बाद स्प्लिट और आगे आ जाता हूँ। ठीक है, और आगे आ जाते हैं, और क्या काट रहा है, नहीं ये भी मुझे नहीं रखना। अच्छा, बॉर्डर काटेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ, और अब देखिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ से और, ठीक है, यहाँ से अब बॉर्डर रखी ना। ठीक है, यहाँ से ही, ओके, थोड़ा और आगे यहाँ से। ठीक है, स्प्लिट और डिलीट करेंगे, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जूम करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ से बॉर्डर काटते हुए दिखाना है। ठीक, कट गया, ओके कट गया। अब इस पर और डिलीट करेंगे और दूसरा वाला वीडियो क्लिप है, झाड़ू को काट दिया, ठीक है। और पहले आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये वाला क्लिप नहीं रखना, और यहाँ पर क्या काट रहा है और नहीं रखना, और ठीक है। और यहाँ पर क्या बॉर्डर है, ठीक है, इस तरीके से, और ठीक है यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे और बॉर्डर काटना है, ठीक है। बॉर्डर थोड़ा और पहले करेंगे, देखिए हाँ ठीक है बॉर्डर कट गया, ओके। अब टिश्यू पेपर को ये काट दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कपड़े को इस तरीके से काट दिया, ठीक है। स्प्लिट और डिलीट, बस 30-32 सेकंड के वीडियो बहुत होता है। वॉइस ओवर किस तरीके से करना है आप उस स्क्रिप्ट को देखकर अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं प्लान खुद का वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ, एआई का आप करना चाहते हो ना, अवेलेबल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ रिकॉर्डिंग पर, और यहाँ पर वीडियो में जो भी हो रहा है मैं लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप लोग मुझे देखते जाइए। यहाँ पर मैंने पूरा पार्ट रिकॉर्ड कर लिया, बट यहाँ पर आप देखो बीच में काफ़ी सारा गैप है, तो कैसे करेंगे इसको फिल। पहले आप देखिए यहाँ पर आएंगे और रिड्यूस नॉइस पर क्लिक करके इसकी नॉइस को ख़त्म करेंगे, और स्टार्टिंग में यहाँ से प्ले हो रहा है तो इसे एडजस्ट करके आगे कर देंगे और प्ले करते जाते हैं, और मैच हो रहा है एक नई वीडियो प्ले वो देखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखिए मेरा 100 साल पुराना हथियार, ये देख चैन को भी काट, ठीक है चैन काट दिया, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए चैन को भी काट दिया, अच्छा इसे भी काटना है, ये काट दिया, अच्छा बॉर्डर को भी काटना है, लेकिन पहले रोक देख ये तू काट के देख, अच्छा कट, ठीक है इसने काट के देखिए, और थोड़ा पीछे यहाँ से काट, अब देखो यहाँ से, अच्छा कट गया, ठीक है। अब देखो मैं कैसे जादू दिखाता हूँ, अच्छा इसको भी काटना है झाड़ू को, ये काट दिया ये और बॉर्डर को भी काट दिया, अच्छा अब देख टिश्यू पेपर कैसे काटता हूँ, ठीक है टिश्यू पेपर काटता है, ओके थोड़ा यहाँ से और यहाँ से, अब देखिए थोड़ा और यहाँ से देखिए ये, अच्छा तुम ही काट दो, ठीक है ये देखो ऐसे कट गया है। अब देखो यहाँ पर इसे काट के दिखाते हैं क्या चीज क्या चीज, अच्छा ठीक है कपड़े को काट कर, तुमसे तो कट ही नहीं रहा, ऐसे नहीं काटते यार, देखो इस चाकू को लिया और एक झटके में ये ले काट दिया, ठीक है। यहाँ पर वीडियो खत्म हो गया, स्प्लिट और डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे क्या करेंगे साउंड्स पर, एंड साउंड्स पर जाने के बाद इसके बाद टेलीग्राम पर मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक का नेम डाल दूंगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये बहुत पॉपुलर म्यूजिक आप लोग पूछते भी हो तो नाम भी देख सकते हो, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसके वॉल्यूम को आपको कर लेना है कितना, 20 या 25 के आसपास, ठीक है। और एडिट करके लास्ट में आ जाना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्प्लिट और डिलीट कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, छोटा सा काम, यहाँ पर स्टार्टिंग में सस्पेंस के लिए आप साउंड पर जाओ और एक साउंड इफेक्ट ऐड कर दो, जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पहला वाला ये, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आगे आना है थोड़ा, और यहाँ पर एडिट पर जाकर थोड़ा सा आप कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दीजिए, शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ऐसे साइड पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सभी कलर की सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इतना आपको कर देना है, एंड इसके बाद बस इतना आपको कर देना है और अपने वीडियो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शेयर पर जाना है, एंड हाई क्वालिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं अच्छी क्वालिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और 60 FPS हाई बिटरेट में इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अयुब दोस्तों सबको समझ आया हो तो फिलहाल मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद एंड वंदे मातरम।